कोटा हजरत ईदुशाह बाबा रहमतुल अलैह का 3 दिवसीय ओरजागाज आज गाजे बाजे के साथ चादर शरीफ पेश करके शुरू किया। कोटा के शहनशाह कुतुब हजरत ईदुशाह बाबा के मुबारक आस्थाने पर सुबह से ही कुरान की तिलावत, मिलाद खुबानी व अकीदतमंद लोगों के द्वारा सैकड़ों चादर अकीदत के फूल पेशकर उर्ज मनाया जा रहा है। कोटा शहर सब्जी मंडी हजीरा दरगाह शरीफ बाबा के मुबारक आस्थाने पर 27 से शुरू हुए उर्ज 28 व 29 को कुल की रस्म अदायगी के साथ उर्ज का समापन किया जाएगा। कोटा के कुतुब हजरत ईदुशाह बाबा हरौती में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल है। यहां मुबारक आस्थाने पर राज्य भर से कई जायरीन आते हैं और बाबा का फेस पाकर मन की मुराद पाते हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, बाबा के मुबारक आस्थाने पर मन की मुराद मांगते हैं। यह आस्थाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। बाबा के फेस से अपनी जोली भर के मन की मुराद पाते आए हैं। एक बाबा के मुबारक आस्थाने पर एक जायरीन नयपुरा निवासी फरीद खान समाज सेवी ने बताया कि मैंने सरकार ईदुशाह बाबा से एक लड़की की मुराद मांगी थी तो बाबा ने मेरी मुराद पूरी की और आज मैंने लड़की को बाबा के मुबारक आस्थाने पर ड्राई फ्रूट से तोलकर लंगर तकसीम किया। वही देर रात को जश्न आला हजरत का प्रोग्राम भी आयोजित किया गया। ईदुशाह बाबा के गद्दी नशीन अब्दुल शकूर भाई व हॉर्स कमेटी के मेंबर फिरोज भाई, साजिद सलमान, अक्रम शाहरुख खान, आशिक नदीम, वसीम हुसैन आदि मौजूद रहे। साहब, ये हमारे यहाँ सालाना उर्स का प्रोग्राम हर साल होता है, जो चांद की सफ़र की 21 तारीख से ये शुरू होता है। 21, 22 और 23 तारीख तक ये प्रोग्राम चलता है। 21 तारीख को सुबह 8 बजे कुरान खानी से इसका आगाज़ हुआ, दुआ हुई, मिलाद हुई, कव्वाली का प्रोग्राम हुआ, उसके बाद लंगर का आयोजन हुआ, उसके बाद फिर चादर शरीफ का जोहर से प्रोग्राम हुआ जो रात तक जारी रहा। ये कल का प्रोग्राम था और आज का प्रोग्राम कि हुजूर मुफ्ती भीलवाड़ा शहर काजी साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, उनकी यहाँ जोशीली और बेहतरीन तकरीर होगी और मकामी आलिम भी वहाँ यहाँ मौजूद होंगे और कई जायरीन, हज़ारों की तादाद में जायरीन इंशाल्लाह यहाँ हाज़िर होंगे। बाहर के भी लोग आएंगे, लंगर का अहतमाम है। जो भी हजरात बाहर से आते हैं यहाँ मुरादे पाते हैं और लंगर लेकर के सैराब होकर के चले जाते हैं। ये आज का प्रोग्राम होगा, फिर कल का प्रोग्राम कव्वाली का प्रोग्राम होगा जो जहाँ हिफ्ज़ुर रहमान हकीमी और उनके हम नवा और अबरार हसन शाह साहब, ये दोनों अपनी अपनी कव्वालियाँ पेश करेंगे। इसके बाद सुबह फजर में कुल की रस्म अदा होगी, जहाँ हिफ्ज़ुर रहमान हकीमी और उनके हम नवा वो अपना कलाम पेश करेंगे और कुल की रस्म अदा करके और फातिहा खानी होगी, सलातो सलाम होगी। उसके बाद ये उर्स इस तरह से अपने इख्तिताम पर पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम इस उर्स को कबूल फरमाए और इन बुज़ुर्ग के सदके तुफेल से तमाम जायरीन की हाजत रवाई फरमाए, सबकी मुश्किल कुशाई फरमाए। मैं यहाँ मस्जिद का इमाम हूँ साहब, शौकत अली नाम है मेरा, ये हमारे गद्दी नशीन। अभी तो सवेरे तो कल तो कुरान खानी से शुरू हुआ था प्रोग्राम और कल रात को मैं फिल थी नाथ खां की, चारों जिलों के नाथ खां आए थे। आज भीलवाड़ा से मुकर्री साहब, मुफ्ती साहब से काजी माँ तकरीर करेंगे। आज रात को लंगर का इंतजाम है। बाहर के मुकर भीलवाड़ा से आए हैं, 28 तारीख आज रात के प्रोग्राम भीलवाड़ा के इमाम तो कौन हो? अच्छा, मुफ्ती साहब आ रहे हैं। तीन रोजे उसको रुसूम मुबारक है यहाँ का सरकार का। कल इब्दुर्रहमान की कव्वाली का प्रोग्राम, आज तो ये बुकरी साहब का उर्स है ना, क्या नाम है इसको, तकरीर का प्रोग्राम है। अभी तो कल किस तरीके के आयोजन चल रहे हैं? अपने कोटा शहर में शहर के कुतुब ईदुशाह रहमतुल्लाह अलैह शहनशाह सरकार का उर्स 27/8/2024 से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें 27 तारीख का प्रोग्राम था कुरान खानी और आज अपने अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहब आ रहे हैं भीलवाड़ा से 28 तारीख को। आज इनकी प्रोग्राम की महफिल रहेगी और कल हमारे समाप्ति रहेगी और उसकी इज्जुर रहमान साहब और अपने अबरार हसन साहब आएंगे, वो अपनी कव्वाली पेश करेंगे और ये प्रोग्राम हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है।
हजारों आजरी आते हैं यहाँ पे, जायरीन आते हैं और अपने चादर चढ़ाते हैं, धूमधाम से ढोल से लाते हैं, कोई फटाके फोड़ते हैं, अपनी मुराद मांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती है। ये हमारे आज का आयोजन आपने मुफ्ती साहब की तकरीर रहेगी, भीलवाड़ा साहब के शहर काजी हैं ये जनाब जो आ रहे हैं, और कल का जो प्रोग्राम रहेगा वो हमारे ये ईदुशा बाबा का आज प्रोग्राम था, इनका उर्स है, उर्स शरीफ में हम शामिल हुए हैं। हमने पहले बोलारी मांगी थी, तो हमें पहले भी बाबा की उससे, हम 2 साल का लड़का है, क्या बोलारी मांगी थी आपने? बच्चे के लिए मांगी थी, तो हमारे नवासी हमारे को मिली है, इसके पहले 2 साल का गुड्डा है हमारे, और हाँ पहले लड़का हो चुका है, इन्हीं की दुआ से, बुजुर्गों की से, और दोबारा लड़की की कहा था तो लड़की की हमारी मुराद पूरी हुई। दूर दराज से लोग आते हैं, आज हम आज इनको तोलने के लिए हमने जो बोलारी बोली थी, कैसे तोला था, काई में तोला था? हमने इसको ड्राई फ्रूट से तोला है और तकसीम किया, हम नयापुरा इस्माइल चौक से। मिल की मुराद पूरी होती है, पहले भी हमने मांगा था तो बुजुर्गों ने लड़का दिया, दोबारा मांगा लड़की, तो लड़की हमें मिली, तो वही खुशी के लिए उसको इजहार करते हुए हम यहाँ। क्या चल रहा है यहाँ? चल रहा है लंगर का है प्रोग्राम, अगला नेक्स्ट प्रोग्राम जो है तो अजान की वजह से रुक गया, अब लंगर तकसीम किया जाएगा। नाम है आपका? फरीद खान। क्या